जी हाँ दोस्तों, माल्टा यूरोप में काफ़ी बड़ा होटल है और इस होटल में जो है काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो तीन ख़ास बातें बता देता हूँ इस होटल के बारे में। सबसे पहली ख़ास बात जो है ये है कि ये जो होटल है 5 स्टार होटल है, और अगर आप लोग 5 स्टार होटल में जॉब करते हो, चाहे आप क्लीनर की जॉब कर रहे हो, चाहे आप वेटर की जॉब कर रहे हो, चाहे आप और कोई सी जॉब कर रहे हो, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में। तो दोस्तों मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल अपने जॉब्स को। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन सेकेंड बात दोस्तों ये कि अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जॉब बताने वाला हूँ ये एक होटल में जॉब है, और ये जो होटल है देखिए माल्टा में है और काफ़ी बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, और इस होटल में जो है काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ निकली हुई है। जैसे हाउस कीपिंग की जॉब इस होटल में अवेलेबल है। अगर आप लोग हाउस कीपिंग की जॉब करते हैं तो देखिए जो सैलरी मिलती है, अगर आप लोग एक 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक आप हर महीने कमा सकते हो। सेकेंड जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है बारटेंडर के लिए। बारटेंडर का अगर आप लोगों को काम आता है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो तब आप बारटेंडर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस जॉब के लिए देखिए एक्सपीरियंस मस्ट बी रिक्वायर्ड है। इसमें जो सैलरी दोस्तों आपको मिलती है, अगर आप लोग एज ए बारटेंडर जॉब करते हैं तो देखिए आप 3 लाख रुपये तक हर महीने कमा सकते हो अगर आप एक 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे हो। तो इस होटल में बारटेंडर के लिए भी जॉब निकली हुई है। देन जो उसके बाद जॉब निकली हुई है वो मैनेजर्स के लिए जॉब निकली हुई है, सुपरवाइज़र के लिए जॉब निकली हुई है, रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब निकली हुई है। देन जो जॉब निकली हुई है वो है क्लीनर के लिए। उसके बाद जो जॉब निकली हुई है वो है वेटर के लिए। अगर आप लोग फ्रेशर है और माल्टा जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर लाख रुपये कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 जॉब बताऊँगा। सबसे पहली जॉब तो ये है कि आप क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। देन जो सेकेंड जॉब है वो वेटर की है। तो ये 2 जॉब ऐसी हैं जिनमें आप अगर फ्रेशर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जॉब है दोस्तों जो निकली हुई हैं, और ये जो होटल है काफ़ी बड़ा होटल है। किस तरह से आपको इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इस होटल का क्या नाम है, सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको अभी वीडियो में चलकर बताने वाला हूँ। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए आपको जो है इन जॉब्स के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको किसी एजेंट या एजेंसी से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस होटल की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाना, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। बट दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं माल्टा के लिए तो आपको देखिए सबसे पहले एक CV जो यूरोपियन फॉर्मेट में हो, देन एक कवर लेटर जो यूरोपियन फॉर्मेट में है उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो जो लोग अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर SMS करना, जो मेरा चार्ज है आपको वो पे करना, देन आपका यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बन जाएगा। दोस्तों इस होटल के बारे में 2-3 खास बातें और बता देता हूँ मैं। देखिए होटल जो है काफ़ी बड़ा है और लगभग 600 से 500 कमरे इस होटल के अंदर है। अगर दोस्तों देखिए आप लोग 5 स्टार होटल में अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी सारी वैसे ऑलरेडी जॉब होती है 5 स्टार होटल में, क्योंकि 5 स्टार होटल जो है देखिए काफ़ी बड़ा होता है, तो जॉब जो वैकेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे लोग की उनको ज़रूरत होती है। आपके पास 50% चांसेज हैं कि आपको जॉब मिल जाए, और ऑलरेडी हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं जो इस होटल में काम कर रहे हैं। ये होटल जो है देखिए आउट ऑफ माल्टा से पब्लिक को हायर कर लेता है, पीपल्स को हायर कर लेता है, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप लोगों को ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेकर चलता हूँ और आपको सारी डिटेल बता देता हूँ इन जॉब्स के बारे में और इस होटल के बारे में, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस होटल का जो नाम है वो है द होटल इंटरकॉन्टिनेंटल माल्टा। इस होटल में काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकली हुई और किस तरह से आपको इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इस वेबसाइट पर आने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर मैंने इस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करना, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल अप करना है। देखिए गाइस काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी खूबसूरत होटल है, 5 स्टार होटल है ये माल्टा के अंदर।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए इस होटल के जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस होटल की जो ईमेल आईडी है, आपको वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना है कैरियर वाले ऑप्शन पर। देन थोड़ा सा ये लोडिंग होगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। देन हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कैरियर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल अप करना है, पर ही आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन इंटर कॉन्टिनेंटल माल्टाइज टीम, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर ही देखिए अब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी सारी जॉब वैकेंसीज, कौन कौन सी जॉब वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो जॉब वैकेंसीज होटल में अवेलेबल है वो है कौमी शेफ की। उसके बाद जो जॉब अवेलेबल है वो है बार टेंडर के लिए। देखिए बार टेंडर की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है। किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उसके बाद में जनरल मेंटेनेंस की जॉब अवेलेबल है, तो जिन लोगों को देखिए मेंटेनेंस का काम आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो लोग देखिए सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फूड एज बेवरेज सुपरवाइजर की यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है देखिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फूड एज बीवेज अटेंडेंस की जॉब अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखिए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की भी जॉब अवेलेबल है। देन उसके बाद में एक जॉब अवेलेबल है हाउसकीपिंग अटेंडेंस की। तो हमें किस तरह से इन जॉब्स में अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट पेज मार। ये जो जॉब है दोस्तों ये है फूड एज बीवेज अटेंडेंस की, यानी जिसे वेटर का काम होता है नॉर्मल, ये टीम होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को काम के बारे में पता चल जाएगा कि आपको काम क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बाद में जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप ठीक से पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है देखिए वो ये फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश ठीक ठाक बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद में देखिए प्रीवियस फूड एंड बीवरेज एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन होटल ऑफ सिमिलर साइज विल बी कंसाइडर एज एन असिस्ट। यानी गाइज अगर आपके पास में देखिए सेम इंडस्ट्री का, यानी अगर आप लोग वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हाउसकीपिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप बारटेंडर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास में देखिए अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर SMS करना। देन आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दोस्तों वो भी बन जाएगा। एबिलिटी टू वर्क शिफ्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग इवनिंग वीकेंड एंड और हॉलीडेज, यानी आप देखिए हर टाइम मतलब काम करने के लिए रेडी होने चाहिए, चाहे वो आपके वीकेंड हो या फिर हॉलीडेज में। तो ये नॉर्मल सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट इनको चाहिए। देन उसके बाद में गाइज यहाँ पर इन्होंने देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको malta.carrier@ihg.com ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो इस ईमेल आईडी पर जाकर आपको दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देना है। पर जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास में देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब मिलने के चांसेज ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जो लोग भी इन किसी भी जॉब में देखिए अप्लाई करना चाहते हैं, जितनी मैंने आपको जॉब बताई है, तो सबसे पहले आप अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV बनवाना, उसके बाद में कवर लेटर और आपको एक 2 ईयर की या 3 ईयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत ज़रूर पड़ेगी, तभी आप लोग अप्लाई करना है। उससे पहले आप लोग अप्लाई नहीं करना है वरना जॉब आपको नहीं मिलने वाली है। तो जो लोग भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूरोपियन फॉर्मेट CV या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप पर SMS कर देना, उनके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। अगर कोई भी बंदा देखो भाई अप्लाई करवाना चाहता है किसी भी जॉब में मेरे थ्रू, तो वो भी मुझे व्हाट्सअप पर SMS करना, मैं उसका अप्लाई भी करके दूंगा। देन उसका यूरोपियन फॉर्मेट CV कवर लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाकर दूंगा। तो ये दोस्तों जॉब वैकेंसीज इस होटल में अवेलेबल है और इसी तरह से देखिए मैंने 2-3 होटल के और लिंक्स दिए हैं, आप उन होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये होटल बताया, देन इसी तरह से काफ़ी सारे होटल्स हैं माल्टा यूरोप में जहाँ पर काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। और देखिए मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दिए हैं, कुछ होटल की वेबसाइट्स के लिंक्स दिए हैं और इस होटल की जो जॉब वैकेंसीज मैंने आपको बताई है तो इस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देन जिन लोगों को अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV या कवर लेटर बनवाना है और अगर कोई ये चाहता है कि मैं उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई
अप्लाई करूँ किसी भी जॉब में तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर SMS करें। देन गाइज, आज की इस वीडियो को चलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आपके लिए और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं काफ़ी जल्द बना कर लाऊँगा, और काफ़ी जल्द आप लोगों के सामने कुछ और नई नई वैकेंसीज़ लेकर आऊँगा। देन गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जस्ट आपको मेहनत करनी है। मेहनत ये करनी है कि आपको डेली देखिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको देखिए कंपनी जॉब ऑफर लेटर दे देती है माल्टा से, तो आपका जो खर्च होता है देखिए वो जस्ट 80 से 90 हज़ार होता है, यानी आप 80 या 90 हज़ार रुपये लगाकर देखिए माल्टा जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो आप लोग के पास एक काफ़ी अच्छा चांस है दोस्तों, जिसमें आपको बताया इस होटल में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अवेलेबल है, तो अगर आप लोग एक फ्रेशर भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अपने CV और कवर लेटर को जल्दी से रेडी करवाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों का भी दोस्तों फ्यूचर सेट हो जाए और आप लोगों को भी एक काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाए यूरोप कंट्री में। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे एक अपनी और नई वीडियो के साथ।